हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वी गले का बॉर्डर बनाना। ये देखिए, हाफ स्वेटर है ये। ये गले का घटाई मैं पहले बता चुकी हूँ आपको अपनी पिछली वीडियो में। आज मैं इसका बॉर्डर बनाना बताऊंगी कि गले की पट्टी हम कैसे बुनते हैं। सबसे पहले हम इसके फंदे उठा लेंगे। ये हमारे पीछे के फंदे हैं जो हमने कंधे जोड़ने के बाद, जो फंदे दोनों साइडों में कंधे जोड़े और जो फंदे बचते हैं बीच के, हमें वही लेने होते हैं और आगे के फंदे हमें उठाने हैं। तो देखिए ये कैसे उठाएंगे। निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमें इसके लिए ये डबल पॉइंटेड नीडल लेनी है, ये जिनके दोनों तरफ नोक होती है। इस तरह की हमें चार सिलाई लेनी है। ये चार सिलाई का सेट ही आता है ये मार्केट में। इस तरह से हम ये देखिए जो हमने फंदे ये बुने हैं, एक फंदा हम बिना बुना लेते हैं शुरू का, ये जो घटाते हैं उसका ये एक चेन जैसी बन जाती है। ये इसको हम इस तरीके से उठा लेंगे। जितने फंदे भी आपके ये उठते हैं उतने हम उठा लेंगे। इस तरह से हमें ये एक सिलाई में यहाँ तक उठाने हैं। ये बीच का फंदा हमने पिन में ले रखा है, यहाँ तक हमें ये सारे फंदे एक सिलाई में उठाने हैं। इसी तरह से हम इनको उठाते जाएंगे और ये हमें कंधे से और नीचे गले तक, जहां तक हमारा वी बना है वहां तक हमें 60 फंदे उठाने हैं। और उसके बाद हम इसका जब बॉर्डर बुनेंगे तो हम वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया है। जिस तरह का बॉर्डर भी आपने नीचे बनाया हो, आप उसी तरह का बॉर्डर गले पर भी और मोंडों पर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये एक सिलाई पे हमने यहाँ तक के फंदे उठा लिए जहाँ तक हमारा ये वी बना कंधे से। और अब हम दूसरी सिलाई में यहाँ से लेके और यहाँ तक के फंदे ले लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक के हम दूसरी सिलाई में उठाएंगे। ये देखिए, इधर के फंदे भी हमने उठा लिए हैं। ये हमारा मिडिल है, बीच में जो हमने एक फंदा पिन पर ले रखा है, और हमने इधर के फंदे भी उठा लिए हैं, इधर के भी, और ये वाले जो पीछे के फंदे हैं ये भी हमने इधर ये दोनों तरफ नोक वाली सिलाई में ले लिए हैं। अब हम इन्हें गिनेंगे। तो हमने ये इधर उठाए, हमने ये 56 फंदे हमारे उठे, इधर उठाए हमने, इधर हमारे 61 फंदे आ गए। ये यहाँ से हमें 60 फंदे उठाने हैं। यहाँ पर एक फंदा एक्स्ट्रा उठा है तो एक फंदा हम ऐसे ही रहने देंगे। हम इधर भी 61 करेंगे बुनते हुए। हम यहाँ पांच फंदे हम यहाँ बढ़ा लेंगे और हमारे ये फंदे, ये हमारे 34 फंदे हैं। यहाँ से यहाँ तक 34 फंदे हैं। इनको हम 34 भी रख सकते हैं और इसमें हम 40 कर सकते हैं। यहाँ हमारी बारीक ऊन है थोड़ी और हम बारीक सिलाई से बॉर्डर बना रहे हैं तो हम इनमें छः फंदे बढ़ाएंगे यहाँ बैक साइड में, तो हम ये 40 कर लेंगे। यहाँ 40 फंदे रखेंगे और ये हमारे 61 फंदे और 61 फंदे ये हो जाएंगे इधर उधर। तो अब हम इनमें बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे। तीन फंदों में हमने ये फंदे उठा लिए हैं और चौथी सिलाई से हमें इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पहले हम इसमें धागा लगा लेंगे। ये और हमें ये वाली सिलाई में हमें पांच फंदे बढ़ाने हैं, तो हम पांच फंदे बढ़ाते हुए ये दो उल्टे दो सीधे की बुनाई में हम इनको बुनते जाएंगे और बीच बीच में हम पांच फंदे इसमें बढ़ा लेंगे। ये देखिए, हम यहाँ फंदा बढ़ा लेंगे कहीं से भी। ये फंदा यहाँ से हमने उठा लिया, एक फंदा हमारा बढ़ गया, चार फंदे हमें अभी और बढ़ाने हैं इसमें।
यहाँ हम बढ़ा लेंगे फंदा, तो हम यहाँ पीछे की तरफ से ले लेंगे, ये इस तरह से उठा के हम ये फंदे बढ़ाते जाएंगे। दो फंदे बढ़ गए ये, अभी तीन फंदे हमें और बढ़ाने हैं। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई कर लेंगे। यहां से ये फंदा ले लेंगे और इस तरह से बढ़ा लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें दो उल्टे दो सीधे करते हुए यहां तक ये सिलाई पूरी कर लेंगे। हम गिनेंगे इन्हें, एक दो तीन चार। अभी हम यहाँ दो फंदे और बढ़ाने हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ आगे से भी ले सकते हैं हम, और इसको हम यहाँ पीछे से भी ले सकते हैं। एक फंदा अभी और बढ़ाएंगे। ये अभी हमारे फंदे पूरे हो चुके हैं, 61 फंदे कर लिए हमने ये 61। ये देखिए, ये एक सिलाई के फंदे हो गए हमारे। अब हमें ये वाला फंदा लेना है जो हमने ये पिन पर उतारा था, इसको हम इस सिलाई पे ले लेंगे और इसे भी हमने यहाँ, ये देखिए ये वाला बीच का फंदा हमारा है, इसके इधर हमने ये दो फंदे सीधे रखे हैं। ये देखिए, ये दो फंदे हमारे सीधे आ गए। अब जो बीच का फंदा है उसको भी हम सीधा बुन लेंगे। इस सिलाई से बुनेंगे हम, जो बीच का फंदा है वो हमने सीधा बुन लिया, और उसके अगले दो फंदे भी हम सीधे बुनेंगे। देखिए, जो बीच का फंदा है अगर उसके इधर के दो फंदे हमारे उल्टे आते हैं तो हम दो फंदे इधर के भी उल्टे बुनेंगे। अगर हमारा इधर एक सीधा आएगा तो हम एक ही सीधा बुनेंगे। इस बीच के फंदे के इधर जितने फंदे हमें उल्टे या सीधे आए हैं उसने भी उतने ही हमें इधर भी बुनने हैं, और उसके बाद बाकी की बुनाई हम वही करेंगे, दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे। वैसे तो आप इसको बीच का फंदा जरूरी है सीधा रखना, और आप ये कैसे भी ले सकते हैं, बस एक जैसे लेंगे अगर आप तो इसमें आपकी फिनिशिंग ज्यादा आएगी गले में। जिस तरह से मैंने बताया कि जो बीच का एक फंदा है उसके साइड के दोनों साइड में एक जैसे फंदे होने चाहिए, अगर सीधे हैं तो सीधे होने चाहिए, अगर उल्टे हैं तो उल्टे होने चाहिए। ये देखिए, पहली बार में हमें इसको इसी तरह से बुनना है, और जब हम अगली सिलाई पर आएंगे तो हम यहाँ से फंदे घटाना शुरू करेंगे। यहाँ हमें इस सिलाई में पूरे फंदे हैं हमारे, तो हमें कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। ये सिलाई हम ऐसे ही पूरी कर लेंगे, और जब हम यहाँ बैक साइड के फंदों पर आएंगे तो यहाँ हमें 6 फंदे बढ़ाने हैं, और हम इसी तरह से इसको क्लॉकवाइज बुनते जाएंगे, यहाँ से इस तरह से। जब हम यहाँ आएंगे तो मैं यहाँ आपको ये घटाना बताऊंगी कि यहाँ पर हम किस तरह से ये वी गला घटाते हैं, और बाकी की बुनाई हमें बिना फंदे घटाए बढ़ाए करनी है। बस पहले सिलाई में ही हमें फंदे बराबर कर लेने हैं, और उसके बाद हमें ऐसे ही इसको बुनना है। पीछे के पल्ले में हमें 6 फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए, ये अब हमने पूरी सिलाई कर ली है,
इस तरह से यहाँ से ले जाके ये यहाँ हम फिर यहाँ आ गए। ये हमने पांच फंदे जो हमने यहाँ सीधे बुने थे उसमें से हमने ये एक फंदा बुन लिया सीधा, और जो उसके बीच के फंदे हैं ये बीच का फंदा हमने पिन पर ले रखा था उसको हम यहाँ पर अब हम ये घटाई शुरू करेंगे। अगर आपको ये परेशानी हो देखने में कि बीच का फंदा कौन सा है, तो जब आप पहली सिलाई कर रहे हैं उसी वक्त आप इस फंदे में पिन लगा रहने दें और ऐसे ही बुन लें, तो अब आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए ये साफ दिख रहा है कि जो ये मिडिल का फंदा है इसको हम किस तरह से बुनेंगे। तीन फंदों का एक फंदा करना होता है, जहाँ हम वी गला बनाएंगे उसके बिल्कुल बीच में यहाँ हमें तीन फंदों का एक फंदा करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये दो फंदे लेंगे साथ में इस तरह से यहाँ से, और ये बिना बुने ही सिलाई में से निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिए, उसके बाद इस तरफ से सिलाई लेंगे यहाँ से। एक बार फिर देखिए ये इस जगह से हम ये सिलाई लेंगे, और तीसरा फंदा भी इसी सिलाई में ले लेंगे ये वाला। अब ये तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे। देखिए यहाँ तीन फंदों का एक फंदा बन गया, एक फंदा सीधा बुन लिया हमने, उसके बाद हम दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे करते हुए हम ये बुनते जाएंगे। देखिए यहाँ से ये बीच में लाइन बननी शुरू हो जाएगी। अब हमें फिर से वही करना है, यहाँ से ये क्लॉकवाइज बुनते हुए हम फिर यहाँ आएंगे और यहाँ फिर से तीन फंदे का एक फंदा करेंगे। ये देखिए अभी हम यहाँ पूरा बुनते हुए हम फिर से उसी जगह पर हैं जहाँ हमने तीन फंदे का एक फंदा किया था। ये देखिए अगर आपको ये देखने में परेशानी हो तो आप यहाँ ये इस वाले फंदे पर इस तरह से पिन लगा दें यहाँ। उसके बाद ये यही वाला फंदा ऊपर से पूरा सीधा जाएगा ये पूरे वी गले में, और यहीं आपको ये घटाना है। ये देखिए कैसे घटाना है, ये तीन फंदे का एक फंदा बनाना है हमें। इस तरफ से हम लेंगे यहाँ से, जैसे हम सीधा बुनते हैं तो हम दो फंदे लेंगे लेकिन बुनेंगे नहीं, इन्हें बिना बुना उतारेंगे। ये देखिए एक और दो, दो फंदे लिए हमने, ये उतार दिए सिलाई से और इधर से दूसरी सिलाई ली। तीसरा फंदा भी इसी सिलाई में लेंगे और तीन फंदे का एक फंदा करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से ये चेन की तरह बनता जाएगा। एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं आपको कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से लेंगे दो फंदे, इनको हम बिना बुना निकाल देंगे। इधर से सिलाई लेंगे, तीसरा फंदा उसी में लेंगे और तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे, और बाकी के फंदे हम उसी तरह बुनते जाएंगे। जो सीधा फंदा है वो सीधा बुनेंगे, जो उल्टा फंदा है वो उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से बुनते हुए हम हर बार जब वापस इस वाले फंदे पर आएंगे तो हम तीन फंदे का एक फंदा करेंगे। अब हमारे ये दो फंदे इधर, दो फंदे इधर इसके सीधे थे, अब ये देखिए ये दो फंदे इधर और दो फंदे इधर ये उल्टे आ गए। अब की बार ये उल्टे फंदे घट जाएंगे, ये वाले तीन फंदे का एक फंदा हो जाएगा, फिर वो वाले तीन फंदे का एक फंदा हो जाएगा। हर सिलाई पे हमें इस जगह पे तीन फंदे का एक फंदा करना है, ये बीच का फंदा और इधर उधर का फंदा। इसी तरह से करते हुए हमें ये 12 सिलाई करनी है, क्योंकि हमने यहाँ मोंढे के बॉर्डर में आर्म होल का जो बॉर्डर बनाया हमने यहाँ 12 सिलाई की है इसकी, तो हम यहाँ भी इसकी 12 सिलाई करेंगे और उसके बाद हम इसके आगे की बुनाई करेंगे। ये देखिए ये अब हमारी 12 सिलाई पूरी हो चुकी है बॉर्डर की। यहाँ से हमने ये 12 सिलाई कर ली, दो सीधे दो उल्टे की, और यहाँ ये देखिए ये वी गले का ये शेप आएगी यहाँ से, जहाँ हमने तीन फंदे का एक फंदा किया पूरा बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब हमें ये करना है, अगर हम सिंगल बॉर्डर रखना चाहते हैं गले का तो
तो हमें इसी जगह यहाँ इन फंदों को सबको बंद कर देना है। इसी तरह से गोलाई में यहाँ से लाते हुए यहाँ तक हमें इन्हें सारे फंदों को बंद करना है। लेकिन हम यहाँ डबल पट्टी बुन रहे हैं, तो अब हम इसके पीछे का पार्ट बुनेंगे, जो पीछे की तरफ फोल्ड होगा उसको हम सादा बुनेंगे। और सादा बुनने के लिए हमें यहाँ कुछ फंदे घटाने होंगे, तो हम ये 8-8 फंदों के बाद एक एक फंदा घटाते जाएंगे। ये बिल्कुल सीधा बुनना है, अब हमें बॉर्डर का नहीं बुनना है। हमने 8 फंदे बुन दिए, उसके बाद 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर 8 फंदे बुनेंगे और ये जरूरी नहीं है कि 8 ही बुनने हैं, आप 7 के बाद भी घटा सकते हैं, आप 9 या 10 के बाद भी घटा सकते हैं। ये मैंने 8 फंदे या जितने भी आप लेने हैं एक बराबर अगर घटेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये यहाँ ये देखिए, ये हमने 8 फंदे बुने, फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इसी तरह से हम 8-8 फंदे के बाद 2 फंदे का एक फंदा करते जाएंगे। ये 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, ये हो गई हमारी सिलाई। अब हम इस तरफ आ गए, ये 8 फंदे हमने यहाँ 2 फंदे का एक फंदा किया, ये 8 फंदे बुन लिए। अब हमारा ये बीच की जगह आ गई जहाँ हमने ये वी गला बनाया, यहाँ हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, तो ये हम इसे ऐसे ही बुन लेंगे। ये 3 फंदे हमने बुन लिए और जो ये एक फंदा जो बीच का फंदा है, ये जहाँ हमने 3 फंदे का एक फंदा किया था, अब पीछे मोड़ने के लिए हमें यहाँ एक फंदे का 3 फंदा करना है। देखिए ये वाला एक फंदा जहाँ से हम सादी बुनाई शुरू करेंगे वहाँ से हम ये लेंगे एक फंदा, इसके ऊपर ऐसे धागा लपेटेंगे, फिर से इसको बुन देंगे। ये हमारा एक फंदे का 3 फंदा हो गया। उसके बाद हम फिर वही 8-8 या 10-10 फंदों के बाद 2 फंदे का एक फंदा करते जाएंगे। और ये हमें सिर्फ पहली सिलाई में करना है। जो हमारी ये पहली सीधी सिलाई शुरू हो रही, उसके बाद हम यहाँ कोई फंदा नहीं घटाएंगे बढ़ाएंगे, बस सिर्फ हमें यहाँ फंदे बढ़ाने हैं इस एक फंदे के ऊपर। ये पहली सिलाई में तो हमें 8-8 फंदों पे 2 का एक करना है और उसके बाद हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, बस सादा बुनते जाएंगे और यहाँ पर हम बढ़ाते जाएंगे। देखिए ये अब हमारी घटाते हुए सिलाई पूरी हो चुकी है, यहाँ से हमारी दूसरी सिलाई शुरू हो गई है। अब हम यहाँ पर हैं जहाँ हमने एक फंदे का 3 फंदा किया था और इस बार हमें ये ऐसे ही बुनने हैं। ये देखिए ये 3 फंदे हैं जो हमने एक फंदे के 3 फंदे किए, इसको एक एक करके हमें बुनना है। ये हमने बुन लिए, एक फंदे का 3 फंदा हो गया और बाकी के फंदे हम ये सादे बुनेंगे। इस सिलाई में हमने यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, हमें हर बार यही करना है, एक बार हमें बढ़ाने हैं और अगली बार हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। अब हम इसको फिर से सादा बुन के और फिर ये सिलाई पूरी कर लेंगे, अब हमें कोई फंदा नहीं घटाना है यहाँ पर। ये देखिए ये अब हमने सिलाई पूरी कर ली है, अब हम फिर से उसी जगह पर हैं जहाँ हमने पहली सिलाई में एक फंदे का 3 फंदा किया, दूसरी सिलाई हमने बिना कोई फंदा बढ़ाए हुए बुनी। अब हम तीसरी सिलाई पर हैं, इस सिलाई में हमें ये फंदा बढ़ाना है,
ये देखिए, ये एक के जो तीन फंदे हैं उसका जो बीच वाला फंदा है उस फंदे के ऊपर हमें फंदा बढ़ाना है। तो हम ये एक फंदा बुन लेंगे और ये बीच के फंदे के ऊपर इस तरह से एक बुना, सिलाई के ऊपर फंदा लिया, फिर एक बार बुना, ये एक फंदे का तीन फंदा हो गया। और बाकी हम ये सादी सिलाई बुनेंगे, ये हमारी तीसरी सिलाई है। इसी तरह से बुनते हुए हमें ये सादा, हमें 10 सिलाई पूरी करनी है, ये तीसरी सिलाई है। ये सिलाई पूरी करने के बाद हमें 7 सिलाई और बुननी है। ये देखिए, इस बार हमने एक फंदे का तीन फंदा किया, जब हम अगली सिलाई लाएंगे तो हम ये एक एक फंदा करके बुनेंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। उससे अगली सिलाई लाएंगे तो हम फिर बीच वाले फंदे का एक फंदे का तीन फंदा करेंगे। हमें हर बार ऐसे ही करना है, एक बार बढ़ाने हैं एक सिलाई पर और उससे अगली सिलाई पर नहीं बढ़ाने हैं। इस तरह से करते हुए हमें ये सादी 10 सिलाई पूरी करनी है, उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। ये देखिए, ये हमारी 10 सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हमने ये यहाँ से ये हमने फंदे बढ़ाए, इस तरह से दिखेगा ये। अब हमें ये सारे फंदे बंद करने हैं। यहाँ तक हमने, जहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है वहीं से हमने सिलाई ख़त्म करनी है, और अब हम इन्हें बंद करेंगे। आप चाहें तो इनको यहाँ से आगे भी बंद कर सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं, अगर आप यहाँ से कंफर्टेबल हैं इधर से बंद करने में, तो आप इधर से भी कर सकते हैं। और बंद हमें वैसे ही करने हैं जैसे हम करते हैं दो फंदे का एक फंदा लेके, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसको एकदम लूज बंद करना है। ये देखिए, ये बिल्कुल ढीला फंदा रखना है और तब हमें इसे बंद करना है, इसको टाइट नहीं करना है बिल्कुल, वरना गले की शेप भी ख़राब हो जाएगी और गला टाइट भी हो जाएगा बहुत। इसलिए ये जितना भी ढीला होगा उतना अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये इस तरह से ये ढीला ढीला बंद करना है आपको, और इसे हमें पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे फंदे बंद करने हैं। ये देखिए, ये हमारे सारे फंदे बंद हो चुके हैं आप पूरे गले के, और इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। डबल बॉर्डर है हमारा ये, हमें इसकी तुरपाई करनी है। देखिए, यहाँ से हम एक ये लंबा धागा काट लेंगे, इतना लंबा जितने से हम सिलाई कर सकें, इसको हम यहाँ निकाल देंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें ये लेना है, और ये इस तरह से रखते हुए जिस जगह से हमने ये फंदे उठाए थे इस जगह पे हमें इसकी सिलाई करनी है। जैसे हम तुरपाई करते हैं उस तरीके से हमें ये थोड़े लंबे लंबे टाके या छोटे जैसे भी आप लेना चाहें, लेकिन इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये धागा है हम जिससे हम सिलाई कर रहे हैं ये टाइट नहीं होना चाहिए, इसको खींचना नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल एक बराबर रखना है इस तरह से। देखिए, ये हमारा यहाँ से ये वी गला है, और इसको सिलने के टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी ये नोक है, जहाँ हमारा हमने ये फंदा घटाना शुरू किया था, और ये वाली नोक ये हमारी एक जगह पे आनी चाहिए। ये सिलाई के टाइम पे इसको आप यहाँ लेके सिलेंगे, इस तरह से सिलते हुए इस नोक को बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए यहाँ पर।
इसको हम तुरपाई करते हुए इस तरह से सिलते जाएंगे। ये देखिए, ये अब हम यहाँ नोक पर आ गए। इसको हम यहाँ से ये दो टाके इस जगह लगा देंगे ताकि ये इसी जगह पे टिकी रहे। यहाँ पर अब हम इसके आगे की सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से सिलते हुए हमें ये पूरा यहाँ तक इसको सिल लेना है। देखिए ये अब हमारी सिलाई पूरी हो रही है। ये गले की सिलाई हमने पूरी कर ली। अब हमारा ये गला तैयार हो चुका है। ये देखेंगे आप शेप इसकी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप आई है वी गले की। यहाँ से ये वी तरह से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।